हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साहबजादे हम्माद को नसीहत की, फरमाया बेटा मैंने तुम्हारे लिए 5 लाख हदीसों में से 5 हदीसों का इंतखाब किया है, तुम इन 5 हदीसों पर अमल कर लेना, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। पहली हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, आदमी के अमल का दारो मदार उसकी नीयत के ऊपर है, हर आदमी को नतीजे में वही मिलेगा जिसकी वो नीयत करेगा। दूसरी हदीस शरीफ है मिन हुस्नि इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानीही, मजहब इस्लाम की बहुत ही अच्छी बात यह है कि जिस बात का या जिस काम का कोई फायदा नहीं है उसे बिल्कुल छोड़ दो। और तीसरी हदीस है ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही, ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आदमी का मिजाज ये ना बन जाए कि जो चीज अपने लिए पसंद करता है वही सबके लिए पसंद करे। जैसे आदमी चाहता है कि कोई उसको धोखा ना दे तो वो भी किसी को धोखा ना दे, तुम चाहते हो कि तुम किसी से कोई तुमसे झूठ ना बोले तो तुम भी किसी से झूठ ना बोलो, तुम अगर ये चाहते हो कोई तुम्हें परेशान ना करे तो तुम भी किसी को परेशान ना करो, ऐसा करने पर ही तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा वरना तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है। चौथी हदीस शरीफ है इन्नल हलाल बय्यिन वल हराम बय्यिन व बैनहुमा मुश्तबिहात ला यअलमुहुन्ना कसीरुम मिनन्नास फमन इत्तक़ा शुबहात इस्तबरअ लिदीनिही व इर्ज़िही वमन वक़ा फी शुबहात वक़ा फिल हराम। जो आदमी अल्लाह ताला ने हलाल और हराम को बिल्कुल साफ साफ तौर पर बयान कर दिया है, जाहिर कर दिया हमारे सामने, और उन दोनों के बीच में जो चीज है वो शुबह वाली चीज है और अक्सर और बेशतर लोग इन शुबहात को जानते नहीं, तो जो आदमी शुबह वाली चीज के अंदर शक वाली चीज के अंदर भी पड़ गया उससे बच गया, शक वाली चीज से भी अगर बच गया तो उसने समझ लो कि उसने अपने दीन को बचा लिया और अपनी इज्जत को बचा लिया। लेकिन जो आदमी शक और शुबह वाली चीज के अंदर पड़ गया और ये समझता रहा कि देखी जाएगी कोई मुस्तकिल हराम तो है नहीं, तो समझो कि वो हराम के अंदर पड़ गया। जैसा कि कोई आदमी कोई बकरियां चराने वाला अपने जानवरों को किसी की बागर के पास में किसी की बागर के बिल्कुल करीब में ही चराता है तो हो सकता है उसके जानवर उस बागीचे के अंदर घुस जाए, ऐसे अल्लाह ताला की जो बॉर्डर है वो हराम है। अगर कोई आदमी उस बॉर्डर के आसपास में गया तो समझो कि वो हराम के अंदर घुस जाएगा। बदन के अंदर आदमी के बदन के अंदर जो है वो एक खून का एक लोथ पड़ा है, अगर वो सही सालिम होता है तो समझ लो कि पूरा जिस्म सही सालिम है, और अगर आदमी के अंदर वो जिस्म का वो लोथ थोड़ा अगर खराब हो जाता है तो आदमी का पूरा दीन और पूरा जिस्म खराब हो सकता है, उसका ईमान भी खराब हो सकता है। पांचवीं हदीस है अल मुस्लिम मन सलीम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, बेहतरीन मुसलमान अच्छा मुसलमान वो है जिसकी जुबान से जिसके हाथ से जिसकी किसी भी बात से किसी और को बिल्कुल भी तकलीफ ना हो।